मित्रों मुझे क्या दिखा हमारे पास के शिवजी के मंदिर में, क्यों वैज्ञानिक शिवजी को विश्व का पहला न्यूरोसर्जन बता रहे हैं? क्या वैज्ञानिक महत्व है भगवान शिव पर चढ़ाई जाने वाली पूजा सामग्री का? आखिर क्यों वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा रखी है भगवान शिव से जुड़े पुराने पर समझ में ना आने वाले विज्ञान ने? आखिर कैसे गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है भगवान शिव पर चढ़ाई जाने वाली पूजा सामग्री से? आखिर कैसे अंग्रेजों के होश उड़े जब पूरे विश्व में डंका पिटा भारत की न्यूरोसर्जरी का? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं द प्रिमिटिव हिंदू। इतनी मेहनत और रिसर्च कर हम वीडियो बनाते हैं, आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों लखनऊ जो कि मेरी जन्मभूमि है, जब मैं वहां स्थित भगवान शिव के बुद्धेश्वर मंदिर गया तो मैंने जो देखा मेरे होश उड़ गए। आपको इस मंदिर के बारे में बताऊं तो ये मंदिर जब राम लक्ष्मण व सीता सहित लखनऊ अर्थात लखनपुर से होकर गुजर रहे थे तब भगवान शिव की पूजा के लिए राम जी ने शिवलिंग का निर्माण किया था। मंदिर में कुछ लोग भगवान शंकर जी की पिंडी पर जल चढ़ा रहे थे, कुछ लोग दूध और दही, कुछ लोग मधु और घी चढ़ा रहे थे, साथ ही फूल और पत्ती के रूप में कनेर और मदार का फूल, बेलपत्री और धतूरे का फल भी चढ़ा रहे थे। मैं सोचता रहा कि इन चढ़ाई जा रही सामग्रियों का क्या संबंध है। मित्रों वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करने पर आप पाएंगे कि इन चढ़ाई जा रही वस्तुओं में एक निश्चित संबंध है। भगवान शंकर जी के पिंडी पर चढ़ाए जा रहे जल, दूध दही, मधु और घी की तासीर ठंडी होती है, जबकि कनेर, मदार के फूल, बेलपत्र और धतूरे का फल शरीर पर एंटीजेनिक का काम करता है। दोस्तों विज्ञान कहता है कि जब शरीर में एंटीजेनिक पदार्थ प्रवेश करता है तो उसके सापेक्ष एंटीबॉडीज बनती हैं, जिसके कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर के तापमान को कम करने के लिए ठंडे पदार्थ शरीर पर लगाए जाते हैं या फिर पानी से नहलाया जाता है। इस तथ्य का ज्ञान हमारे आयुर्वेदाचार्यों को बहुत पहले से ही था, पर आजकल के बढ़ रहे पाश्चात्य ज्ञान जो कि आजकल की पीढ़ियों को अपने प्रकृति से जुड़े विज्ञान ज्ञान से दूर ले जा रहा है। जैसे पुराने समय में घर की दादी को पता होता था कि किस प्रकार की आयुर्वेदिक चीजों को खाने से गंभीर बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, ये भी एक प्रकार का ग्रह विज्ञान था और है। दोस्तों एक किंवदंती के अनुसार एक समय भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का सिर काट दिया था। बाद में माता पार्वती के जिद करने पर उन्होंने हाथी के बच्चे के सिर को प्रत्यारोपित कर भगवान गणेश को जीवित कर दिया था। इसे आप क्या कहेंगे, वास्तव में एक प्रकार की न्यूरो सर्जरी थी जिसे भगवान शिव ने किया और गणेश को पुनर्जीवित किया था। वास्तव में आदिकाल में भारतीय विज्ञान बहुत विकसित था। एक आदमी के धड़ पर हाथी के सिर को लगाकर मरे व्यक्ति को जीवित कर देना एक असंभव कार्य है। एक व्यक्ति जो इस कार्य को करेगा उसे भगवान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय निकले विष को भगवान शंकर ने पी लिया था। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने उस विष को गले के नीचे नहीं जाने दिया। गले के नीचे विष न जाने देने का कारण था कि विष का शोषण आंतों द्वारा किया जाता है। जब विष पेट में प्रवेश नहीं करेगा तो उसका प्रभाव शरीर पर नहीं होगा, लेकिन विष के प्रभाव के कारण शंकर जी का गला नीला पड़ गया, इसलिए भगवान शंकर जी को नीलकंठ कहते हैं। भगवान शिव प्रायः अपनी साधना के लिए कैलाश पर्वत पर जाया करते थे। कैलाश पर्वत एक ऐसी ऊंची चोटी है जहां गर्मी के दिनों में भी तापमान काफी नीचे रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैव प्रयोगशालाओं के लिए कम तापमान तथा कम सूक्ष्म कीटाणुओं की सक्रियता आवश्यक है। मेरा मानना है कि भगवान शंकर ने ऊंचे पर्वत पर अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित कर रखी थी जिसमें विभिन्न प्रकार के शोध करते थे। शोध के बाद जब भगवान शिव कोई नई तकनीक या फिर अस्त्र खोज निकालते थे तब वे कैलाश पर्वत के नीचे आते थे। उस समय राक्षस और देवताओं को मालूम हो जाता था कि भगवान शंकर कोई न कोई नया अस्त्र या शस्त्र की खोज कर ली है, इसलिए राक्षस और देवता दोनों भगवान शंकर को खुश करने का प्रयास करते थे। भगवान शंकर की यह विशेषता देखने को मिली कि भगवान शंकर किसी को भी वरदान दे देते थे। उनके लिए न देवता प्रिय थे और न ही राक्षस। उन्होंने देवताओं और दैत्यों को अस्त्र शस्त्र दिए थे। किसी के प्रति भगवान शंकर का कोई दुराभाव नहीं था। भगवान शंकर के त्रिनेत्र का वर्णन मिलता है। भगवान शंकर के माथे पर तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। वास्तव में यह भगवान शंकर का तीसरा नेत्र और कुछ नहीं बल्कि
भगवान शंकर की बुद्धि और विवेक का परिचायक था। भगवान शंकर द्वारा अपने शरीर में भभूत लगाई जाती थी। भभूत कार्बनिक पदार्थों को जलाकर बनाया जाता है। कार्बनिक पदार्थों को जलाने के बाद मिनरल पदार्थ ही अवशेष रहते हैं। इनका शरीर पर प्रयोग कई प्रकार की बीमारियों से निजात दिलाता है। वास्तव में भगवान शंकर ने लोगों को सिखाया कि कैसे हम प्रकृति से प्राप्त चीजों से अपना उपचार कर सकते हैं, वो भी बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने अपने समय अनेक ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार औषधि और युद्ध से संबंधित किए थे जिनका तोड़ पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलता है। उनके द्वारा किए गए शोध ऐसे थे जो सामान्य व्यक्ति के समझ से परे थे, क्योंकि भगवान शिव चीजों को बहुत बारीक स्तर से समझते थे, इसीलिए ही इनको आदि गुरु शिव कहा जाता है। दोस्तों, आदि गुरु का अर्थ सबसे पहला गुरु होता है। अपने द्वारा समझे गए विज्ञान को शिव जी ने सबसे पहले 7 ऋषियों में बांटा था। उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद शिव जी ने उनको पृथ्वी के अलग अलग भागों में भेजा ताकि लोग उस विज्ञान को जान सके। मित्रों, रोगों के उपचार के लिए चिकित्सा शास्त्र में कई औषधियों का वर्णन मिलता है। इनमें से एक है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष वैसे तो भगवान शिव के लिए प्रिय है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि इससे कई रोगों का निदान भी संभव है। दोस्तों, रुद्राक्ष से लोगों का उपचार करने के तरीके हमारे धर्म ग्रंथों और चिकित्सा आधारित ग्रंथों में उल्लेखित हैं। शिव पर 108 तरह की पूजन सामग्री रुद्राभिषेक सहित अन्य पूजन में इस्तेमाल होती हैं। ये सामग्रियां आयुर्वेद में दवा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। आयुर्वेदाचार्य नंद किशोर शुक्ला का कहना है कि सावन में मौसम के उतार चढ़ाव के चलते बीमारियां होती हैं। सावन महीने में शिव पूजन के जरिए पूजन सामग्री के करीब रहना महादेव भक्तों को प्राकृतिक चिकित्सा का भी संदेश देते हैं। मित्रों, चरक संहिता के अलावा शिव पुराण में भी भगवान शिव पर चढ़ाने वाली सामग्रियों का आयुर्वेदिक महत्व बताया गया है। सप्तम पुराण मार्कंडेय में प्रकृति के मूल तत्वों में बाबा पर चढ़ाई जाने वाली सामग्री का महत्व बताया गया है। विष्णु पुराण में भी वस्तुओं का औषधीय महत्व बताया गया है। बेलपत्र में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आयुर्वेद में बेलपत्र की पत्तियों को खाने का भी उल्लेख है। डायबिटीज रोगियों के लिए भी यह कारगर दवा है। दूध को आयुर्वेद में संपूर्ण आहार माना जाता है। सावन के दौरान इसका सेवन रात में वर्जित माना जाता है। इसके बावजूद यह बरसात में होने वाली वायु रोग को दूर करने में सहायक होता है। दूध सावन में वातनाशक होता है। चंदन की ठंडक रक्तचाप संतुलित करने की कारगर दवा है। बरसात के दौरान होने वाले वायु संबंधी रोग को यह मस्तिष्क में प्रवेश करने से रोकता है। कनेर का फूल भी भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। बरसात में होने वाले त्वचा संबंधी रोग से निदान के लिए कनेर के फूल का इस्तेमाल किया जाता है। यह फंगस को दूर करने में सहायक होता है। मित्रों, धतूरे का उपयोग सीधे नहीं बल्कि दवा में मिलाकर किया जाता है। बीज को गर्म तेल में मिलाकर शरीर में लगाने से वात की समस्या दूर होती है। सांस व खांसी की दिक्कतों को भी दूर करने में सहायक है। बेल भगवान शिव पर चढ़ने वाला शुभ फल है। बेल के गूदे को चूर्ण की तरह उपयोग करने से बारिश में होने वाले संक्रमण से उत्पन्न खून की कमी दूर होती है। बेल से पेट संबंधी रोगों को भी दूर किया जाता है। भांग का प्रयोग औषधि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एंटी एमीबिक गुड़ होने से बरसात में होने वाले आव व दस्त की बीमारियों को दूर करता है। दोस्तों, गुलाब महत्वपूर्ण औषधि के रूप में काम आती है। इसके सेवन से शरीर के त्रिदोषों को संतुलित करने में मदद मिलती है। यह रक्त वर्धक भी है। संक्रमण के दौरान लेने से कमजोरी दूर होती है। शहद को शक्ति वर्धक माना जाता है। शहद तत्व फैक्टोज की वजह से यह ऊर्जा देने के साथ बरसात में होने वाले संक्रमण को दूर करने में भी काम आता है। तो मित्रों, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही लाऊंगा। खैर, मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन किसी वीडियो में। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।